स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो काफ़ी सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा टेंथ का एग्जाम हो गया, मैट्रिक का एग्जाम हो गया, इंटर का एग्जाम हो गया, लेकिन हम लोगों का स्कॉलरशिप का राशि अभी तक नहीं मिला है। हम ऑनलाइन कर चुके हैं लेकिन हमारा स्कॉलरशिप का राशि नहीं मिला है। मेरा प्रोसेस में है या नहीं, हम अपनी जानकारी को यानी कि अपने स्टेटस को कैसे देख सकते हैं, या फिर कब तक स्कॉलरशिप का राशि मिल जाएगा, तमाम प्रकार की जानकारी को आज के इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको स्कॉलरशिप का स्टेटस देखना है कि आप मेरा अकाउंट में पैसा अभी तक नहीं आया है, आखिर किस वजह से नहीं आया है, कहां अभी पेमेंट पहुंचा है, क्या प्रोसेस में चल रहा है, इन तमाम बातों की जानकारी के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और वहां पे आपको सर्च करना है परीक्षा न्यूज, मीनिंग देख लीजिएगा, परीक्षा न्यूज लिख करके आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप परीक्षा न्यूज लिख कर सर्च करिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और सिंपली आपको इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप परीक्षा न्यूज के लिंक पे क्लिक करिएगा तो आप परीक्षा न्यूज का ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे आ जाइएगा। परीक्षा न्यूज एजुकेशनल न्यूज के लिए नंबर वन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर में बताया गया है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर स्कॉलरशिप 2022 ई कल्याण 10th 12th स्कॉलरशिप 2022। तो सिंपली आपको इसी पे क्लिक करना है, चूंकि आपको स्कॉलरशिप के बारे में जानना है, 10th स्कॉलरशिप के बारे में जानना है, 12th स्कॉलरशिप के बारे में जानना है, तो सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल्स, कुछ इन्फॉर्मेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्कॉलरशिप को लेकर दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं को 10,000 रुपए और 25,000 रुपए की राशि दी जाती है। बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि स्कॉलरशिप का पैसा कब तक आएगा, तो इन वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यहां पे आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आपको बता दें कि कक्षा 10वीं के जो उत्तीर्ण छात्र हैं, यानी कि जो कक्षा 10वीं में पढ़ाई कर रहे थे और जो कक्षा 10वीं का परीक्षा दिए थे, फर्स्ट डिवीजन आए हैं, तो उन छात्र को और छात्राओं को, ध्यान से सुनिएगा, छात्र और छात्राओं दोनों को आपको 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया जाएगा, ठीक है, 10,000 रुपए। जबकि जो लोग इंटर पास किए हैं, जो इंटर के अभ्यर्थी हैं, इंटर में जिनका फर्स्ट डिवीजन आया है, तो उनको छात्र को एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा, ओनली छात्राओं को 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप राशि दी जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, जो लोग मैट्रिक में उत्तीर्णता प्राप्त किए हैं, यानी जो लोग फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक में किए हैं, उनको लड़का और लड़की दोनों को 10,000 रुपया दिया जाएगा, जबकि इंटर में पास अभ्यर्थी जो कि सिर्फ और सिर्फ छात्राओं को, लड़कियों को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, लड़कों को कोई भी राशि नहीं दिया जाएगा। लड़का अगर सोच रहे हैं कि अगर हमें भी मिलेगा, तो वो बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि इंटरमीडिएट में छात्राओं को सिर्फ स्कॉलरशिप की राशि दी जाती है, ठीक है। तो अब देखिए, अब कहां से हम देखेंगे, ऑनलाइन कहां से करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आप ऑनलाइन नहीं किए हैं तो क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड लगेगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड लगेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पे मांगा जाता है। तो आप अगर साइबर कैफे से ऑनलाइन करवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन कार्ड लेते जाइएगा, एडमिट कार्ड अपना लेते जाइए, बैंक अकाउंट, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर, इतना डॉक्यूमेंट को ले जाना नेसेसरी है, जरूरी है, ठीक है। तो इतना डॉक्यूमेंट लेकर जाएं, तभी आपका ऑनलाइन आवेदन हो पाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर अगर आप कक्षा 2021 में अगर आप एग्जाम दिए हैं, क्या हुआ है कि 2021 में जो लोग परीक्षा दिए हैं उनका अभी तक स्कॉलरशिप की राशि नहीं आ पाई है। तो अगर 2021 वाले छात्र अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और उनका अगर स्कॉलरशिप राशि नहीं आया है, तो आप वहां से यहाँ लिंक पे क्लिक करके आप अपना स्टेटस देख सकते हैं, आपका पेमेंट आएगा नहीं आएगा, अगर आएगा तो अभी आपका पेमेंट किस प्रोसेस में है, कहां तक पहुंचा है, इन तमाम बातों की जानकारी आप पहले लिंक से देख सकते हैं। कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो, अगर कक्षा 12वीं के छात्र हैं तो सेकंड वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। अगर कॉलेज वाइज स्टेटस देखना चाहते हैं कि भाई हमारे कॉलेज में किन छात्रों का पैसा आ गया है, या फिर दूसरे कॉलेज के किन छात्रों का पैसा आ गया है, अगर इस टाइप से आप देखना चाहते हो तो आप थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें ई कल्याण के ऑफिशियल वेबसाइट के लिए, और फोर्थ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपका स्टेटस देखना है तो ऊपर भी लिंक दिया गया है या फिर नीचे भी लिंक दिया गया है, कहीं से भी देख सकते हैं। और अगर आप 2022 के अभ्यर्थी हैं तो आप सभी लोगों का जल्द स्कॉलरशिप के लिए आवेदन लिया जाएगा, इसलिए कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, हमारा होगा नहीं होगा अभी कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, जल्द ही आवेदन लिया जाएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।